बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। इसमें हमने प्राइमरी की, अल्टरनेट की और कैंडिडेट कीज की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम की के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए कीज की रिमेनिंग टाइप्स और साथ के साथ आपको यूजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल्स शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। कंपोजिट की क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड कॉनकेटिनेट की। दोस्तों, कॉनकेटिनेट या फिर कंपोजिट के लफ्जी मानी है दो चीजों से मिलकर बनने वाली चीज। अब आइए जानते हैं कि इसे कंपोजिट या कॉनकेटिनेट की क्यों कहा जाता है। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर कंपोजिट की है ये हमेशा दो या फिर दो से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए इसको कंपोजिट की का नाम दिया जाता है और इससे दो कॉलम्स को मिलाकर बनाया जाता है ताकि इट यूनिकली आइडेंटिफाई रोस इन अ टेबल। तो दोस्तों, यहाँ ये तो आप जानते हैं कि अभी तक हमने जितनी कीज पढ़ी उन सबको बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि वो एक टेबल में मौजूद हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन जब एक टेबल में किसी एक कॉलम के जरिए रोस को आइडेंटिफाई ना किया जा सके तब एक से ज्यादा कॉलम्स को आपस में मिलाया जाता है ताकि वो कॉलम्स एक की को रिप्रेजेंट कर सकें और ऐसी की को कंपोजिट की का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ कंपोजिट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स गारंटीज यूनिकनेस। कि दोस्तों, जब हम किसी दो कॉलम्स को आपस में मिलाकर एक की बनाए तो उससे हमारी हर एक रॉ का यूनिकली आइडेंटिफाई होना जरूरी है। जैसे दोस्तों, इस एक टेबल के अंदर अगर आप गौर करें तो हर एक कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू एक ना एक बार रिपीट जरूर हो रही है। जैसे कोर्स कोड के अंदर ये C125 जो है वो रिपीट हो रहा है, इस तरीके से डेट के अंदर ये पहली जो दो रॉज है ये रिपीट हो रही है, इस तरीके से कोर्स नेम के अंदर ये सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स नेम है ये रिपीट हो रहा है और सीट के अंदर ये जो 15 वाली आपको रोज नजर आ रही हैं ये रिपीट हो रही हैं। तो दोस्तों, अब हमें इन में से कौन से कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की के लिए तो असल शर्त है कि आपकी जो प्राइमरी की कॉलम हो उसकी हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में हम दो कॉलम्स को की के तौर पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ कोर्स कोड और डेट के कॉलम को एज अ की यूज किया जाए तो अब हर एक रॉ का कोर्स और डेट मिलकर एक यूनिक वैल्यू बना रहे हैं। और अब अगर हम किसी भी रॉ के डेटा को फेच करना चाहें तो बा आसानी इन दोनों कॉलम्स के जरिए कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अब ये जो दो कॉलम्स हैं ये एक की के तौर पर रिप्रेजेंट होंगे और इनकी वैल्यू भी एक ही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब गौर करें तो C125 और 12102014 जो है वो यहाँ कहीं इस कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से दोस्तों, ये दोनों वैल्यूज भी कहीं रिपीट नहीं हो रही, ये दोनों वैल्यूज भी मिलकर कहीं रिपीट नहीं हो रही और ये आखिर की जो दोनों वैल्यूज हैं ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रही। विच मीन्स के अब हमने इन दोनों कॉलम्स को एक की बना दिया है जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक है। और आप जानते हैं कि किसी भी कॉलम के अंदर हम उसी कॉलम किसी भी टेबल के अंदर हम उसी कॉलम को की बनाते हैं जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए ताकि हम उस वैल्यू के जरिए अपनी पूरी रॉ को फेच कर सकें। और दोस्तों, इसीलिए हमेशा इस टेबल में से डेटा को फेच करने के लिए इन दोनों कॉलम्स को का एक साथ रेफरेंस देना होगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स अब एक की तरह काम कर रहे हैं और ऐसी कीज जो दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर बनाई जाए कंपोजिट की कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट की के बाद जो नेक्स्ट की है वो है फॉरेन की। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि किसी भी टेबल में कीज को बनाने के दो मेन पर्पसेस होते हैं, जिनमें पहला पर्पस है कि एक टेबल में मौजूद हर एक की को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, और अभी तक हमने जितनी भी कीज पढ़ी है वो सब इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। जबकि दूसरी जो कीज को बनाने का मकसद है वो है दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करना। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन की एक ऐसी की है जिसके जरिए दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, अ फॉरेन की इन अ टेबल
दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, यानी ऐसे दो टेबल्स जिनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को जिस की से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कहलाती है फॉरेन की। और ये रिलेशन बनाया किस तरह जाता है, जब आप एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में रख दें जिसकी अपनी भी एक प्राइमरी की होगी, तो अब जो पहला टेबल की प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज होगी, क्योंकि उस फॉरेन की के जरिए हम दूसरे टेबल का रेफरेंस दे रहे हैं पहले टेबल को। जैसे दोस्तों यह है एक स्टूडेंट का टेबल जिसमें रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, और दोस्तों यह है कोर्स का टेबल जिसमें कोर्स आईडी प्राइमरी की है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इनरोल हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमें स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को कोर्स के टेबल में रखना होगा। और यहाँ हमने स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को कोर्स के टेबल में रख दिया है। और दोस्तों अब यहाँ ये कोर्स के टेबल में जो रोल नंबर है, यानी ये जो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है, वो इस कोर्स के टेबल में कहलाएगी फॉरेन की, जिसकी वजह से पूरे स्टूडेंट के टेबल को आपका या आप यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, यानी इस की के जरिए, इस प्राइमरी की के जरिए अब आपका ये पूरा टेबल यहाँ उठकर आ सकता है। और इस तरह दोस्तों फॉरेन की के जरिए दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों कीज के बाद अब आइए कुछ और डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो दोस्तों एक डेटाबेस को बनाते वक्त और बनाने के बाद कुछ लोगों की जरूरत होती है, जिनमें पहला पर्सन है यूजर। और यूजर कौन होता है, द यूजर इज सिंपली अ पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर फॉर हिज स्पेसिफिक नीड। दोस्तों यूजर से मुराद है आप और मैं, यानी ऐसा बंदा जो अपनी जरूरत के मुताबिक कंप्यूटर को इस्तेमाल करे। ही माइट हैव मॉडरेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों हो सकता है हम यूजर्स में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो कि जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को या फिर किसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूजर के लिए इस बात की नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि उस वेबसाइट का डेटाबेस किस फॉर्मेट में है, किस स्ट्रक्चर का है, रिलेशनल डेटाबेस है या किसी और टाइप का डेटाबेस, क्योंकि यूजर सिर्फ वही डेटा व्यू कर सकता है, वही डेटा इंसर्ट कर सकता है जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसे व्यू करवाना चाहती है। मिसाल के तौर पर फेसबुक डेटाबेस, फेसबुक का डेटाबेस बहुत ज्यादा ह्यूज है, लेकिन यूजर को इसमें इससे कोई सरोकार नहीं कि फेसबुक का डाटा किस फॉर्मेट में रखा हुआ है, वो डाटा किस तरह मैनेज हो रहा है, क्योंकि यूजर को सिर्फ वही डाटा नजर आ सकता है जो कि यूजर को वो ऑर्गेनाइजेशन व्यू करवाना चाहती है। और फेसबुक को यूज करने के लिए यूजर के पास अगर थोड़ी बहुत कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की नॉलेज है, तो वो नॉलेज भी काफी है। दोस्तों यूजर कौन होता है, ऐसा बंदा जो कि कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल जानता हो और उसके जरिए वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। के बाद है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डेटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटा का जिम्मेदार होता है, यानी डेटाबेस में किस किस्म का डेटा रखना है, कितना डेटा रखना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों इसका एक और पॉइंट देखिए, द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डिटरमाइंस व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का तमाम ताल्लुक डेटा से होता है, और इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को देखता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करता है और डेटा को कलेक्ट करता है। और दोस्तों द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज सम सीनियर लेवल पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आमतौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा बंदा होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तमाम मालूमात होती है, और उसी के बिना पर वो डेटा का तायुन करता है। और जरूरी नहीं है कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को डेटाबेस के बारे में तमाम मालूमात हो, बल्कि डेटाबेस सिस्टम की थोड़ी बहुत नॉलेज भी उसके लिए काफी है। इसके बाद है दोस्तों द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु कंट्रोल एंड डिजाइन द डेटाबेस। यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो कि ना सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को डिजाइन करता है,
कि एक डेटाबेस में कितने टेबल्स होने चाहिए, उनमें फील्ड्स क्या क्या होंगी, उन टेबल्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, यानी एक डेटाबेस को पूरी तरह क्रिएट करता है। और जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उस पूरे डेटाबेस को कंट्रोल भी करता है कि डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, यानी डेटाबेस में रखे गए डेटा पर ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करवाना है, ये सब चीजें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डील करता है। और दोस्तों इसके अलावा द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ टेक्निकल पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वही पर्सन होता है जिसको डेटाबेस की तमाम नॉलेज हो और वो इस फील्ड में महारत रखता हो, तभी वो एक सिक्योर डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें ये पता चला कि यूजर वो बंदा होता है जो कि किसी भी वेबसाइट को यूज करता है। अब उस वेबसाइट का डेटाबेस कैसा है, उस वेबसाइट में डेटा कितना रखा हुआ है, इससे यूजर यानी मुझे और आपको कोई कंसर्न नहीं है। इसके बाद डेटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जिसका तमाम ताल्लुक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेटा होगा, उस डेटा पर मैनुअली क्या क्या काम चल रहा है, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर फिर वो तमाम डेटा दे देता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को डिजाइन करता है और डिजाइन करने के बाद उसमें तमाम डेटा को रखता है और उसके बाद ये भी बताता है, ये भी डिजाइन करता है कि उस डेटाबेस में से डेटा के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होंगे। यानी एक डेटाबेस को डिजाइन तो करता है साथ के साथ उसको मैनेज भी करता है। और अगर दोस्तों इन फ्यूचर उस डेटाबेस के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को भी ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही रिजॉल्व करता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ जिसके अंदर हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से आपको आगाह की। अगले लेक्चर में हम आपकी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।